मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग नोलन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे। यह वीडियोस उसके बीवी और बच्चे की थी। नोलन के बीवी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और उस एक्सीडेंट में नोलन का भी ब्रेन डेड हो गया था, जो अभी फिलहाल ठीक है। नोलन कोमा में चला गया था, पर कुछ मिरेकल की वजह से वो ठीक हो गया था। पर ठीक होने के बावजूद भी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में जूझ रहे थे, तो नोलन नॉस्टैल्जिक होके अपने कुछ वीडियोस देख ही रहा था कि पीछे से कोई आता है और नोलन को जान से मारने की कोशिश करता है कि तभी नोलन की बेटी आ जाती है और वो उसके पापा नोलन को स्कूल जाने के लिए बुलाने लगती है। नोलन की बेटी का नाम ईवा थी, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल एक बच्ची थी जो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और पापा का तबीयत खराब रहते वो अपने पापा और पूरे घर का ध्यान रखती थी। नोलन के मेमोरी का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। कोमा से निकलने के बाद भी वो बहुत कुछ भूलने लगा था, इसलिए उसके बेटी उसे हर कुछ याद दिलाने की कोशिश करती थी। ईवा खुद का भी ध्यान रखती थी और उसके पापा को भी हर काम में हेल्प करती थी। ईवा आकर जब नोलन को पीछे से बुलाने लगती है, तब नोलन अपने होश संभालता है और उसको पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं है, उसका ही गलतफहमी थी। एक्चुअली उसे कोई पीछे से अटैक ही नहीं किया था, यह सिर्फ उसका झूठा ख्याल था। तो उसके बेटी ने उसे बुलाने के बाद ही नोलन अपने यह ट्रांस सेशन से बाहर आ जाता है। बेटी नोलन को रेडी होने के लिए बोलती है, फिर नोलन अपने बेटी को स्कूल तक छोड़ने के लिए निकलता है और रास्ते में नोलन सिगरेट पीने जा रहा था। फिर बेटी उसको वार्न करती है कि उसके पापा कभी भी सिगरेट नहीं पीते थे। यह सुनने के बाद नोलन हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है, वो सिगरेट नहीं पिएगा। नोलन अपनी बेटी को स्कूल तक छोड़ने के बाद अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो पहले काम करता था। ऑफिस पहुँचने के बाद नोलन का मुलाकात होता है कैथी, मतलब उसके सीनियर से, जो उसे कहती है कि मेमोरी लॉस के वजह से उसका काम पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, तो कंपनी उसे नहीं रख सकती। नौकरी चले जाने के बाद नोलन बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो जोर जोर से स्टीयरिंग पर मारने लगता है। नोलन एक बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत शांत आदमी था, पर इस समय वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया था। वो गाड़ी को जोर जोर से मारने लगता है, जो वो कभी पहले नहीं किया था। इस मूवी में हम लोग डॉक्टर ब्रूक को देख पाते हैं, जिसका मैसेज नोलन के पास बार बार आ रहा था। डॉक्टर ब्रूक एक ब्रेन रिसर्चर थे, जो ब्रेन डेड के ऊपर काम कर रही थी। उसे नोलन का यह केस बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए नोलन को ठीक करना चाहती थी और उसके ब्रेन के ऊपर रिसर्च भी करना चाहती थी, क्योंकि ब्रेन और मेमोरी को लेकर वो बहुत साल से स्टडी कर रही थी। इसलिए वो नोलन को बार बार मैसेज करती थी। यहाँ पे डॉक्टर ब्रूक के बारे में एक बात बोलना पड़ेगा। डॉक्टर ब्रूक ब्रेन डेड पेशेंट को लेकर रिसर्च करती थी। वो जो प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, उसका नाम था ड्रीम प्रोजेक्ट। डॉक्टर ब्रूक का मानना था, आदमियों का जब ब्रेन डेड हो जाता है, तब उस आदमी का सबकॉन्शियस मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करके डेटा बनाकर स्टोर कर सकती है। जैसे हम लोग कोई भी डेटा को कंप्यूटर में या ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, वैसे ही डॉक्टर ब्रूक का मानना था कि वो किसी भी आदमी के सबकॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर डेटा की तरह स्टोर कर सकती है। इसके बाद हम लोग और एक आदमी को देख पाते हैं, जिसका नाम था डॉक्टर गैरी। यह नोलन का ही फ्रेंड था। नोलन अपने हर एक प्रॉब्लम डॉक्टर गैरी के साथ शेयर करता था। वो उसे और नोलन के वाइफ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। एक सेंटेंस में अगर बोलूं तो डॉक्टर गैरी नोलन और उसके वाइफ का एक क्लोज फ्रेंड था। और डॉक्टर गैरी भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था, जहां पर डॉक्टर ब्रूक का रिसर्च लैब था। नोलन एक्सीडेंट से बाहर आ चुका था, पर फिर भी डे बाय डे उसका मेमोरी लो होते जा रहा था। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। बहुत मेडिसिन लेने के बावजूद और ट्रीटमेंट के बाद भी उसका मेमोरी पूरी तरीके से लौट के नहीं आ रहे थे। इसलिए डॉक्टर गैरी, मतलब नोलन की फ्रेंड, भी उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। डॉक्टर ब्रूक इतनी बार उसे मैसेज कर रही है। यह सुनने के बाद गैरी को भी लगता है शायद डॉक्टर ब्रूक उसे कुछ मदद कर सकती है। पहले नोलन राजी नहीं हो रहा था, पर अपने बेटी के बारे में सोचने के बाद वो यह डिसाइड करता है कि वो ब्रूक के पास जाएगा और अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, और यह उसके और उसके फैमिली के लिए एक अच्छा डिसीशन होगा। डॉक्टर ब्रूक का ट्रीटमेंट का तरीका टोटली डिफरेंट था। डॉक्टर नोलन को बताती है कि उसके मेमोरी को बेहतर करने के लिए पहले वो हिप्नोसिस सेशन करेगी और यह देखने की कोशिश करेगी कि नोलन के सबकॉन्शियस माइंड पर अभी भी कुछ मेमोरी बचा है या नहीं। हिप्नोसिस करने से उसे यह पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर हम लोगों का लाइफ के पुराने कुछ मेमोरी स्टोर रहते हैं, जहां से कोई भी अपने लाइफ के पास्ट के मेमोरी को याद कर पाती है, वैसे ही नोलन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कोई मेमोरी बचा है या नहीं, यह वो डॉक्टर हिप्नोसिस के द्वारा पता करेगी। हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट होता है और डॉक्टर ब्रूक नोलन को बोलती है कि वो एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट करें, और नोलन वैसे ही करने लगता है और सडनली वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है
और उसका कॉन्शियस माइंड टोटली ऑफ हो जाता है। नोलन सबकॉन्शियस माइंड में देखने लगता है कि वो एक डार्क रूम में खड़ा हुआ है। वो रूम टोटली ब्लैक और डार्क था, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसे कोई पकड़ रहा है, एग्जैक्टली जैसे उसको पहले अपने घर पर फील हुआ था कि कोई उसे पीछे से आकर अटैक कर रहा है। अभी भी उसे सेम फीलिंग ही होता है। यह घटना के बाद नोलन को पैनिक अटैक आ जाता है और वो सडनली नींद से मतलब हिप्नोटाइजेशन से जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। आंख खोल के वो डॉक्टर को देख पाता है और वो तब सबकॉन्शियस माइंड में नहीं था, वो एक्चुअली रियलिटी में था। वो डॉक्टर को बोलता है कि उसके पीछे से आकर कोई उसे अटैक कर रहा है। यह बोलने के बाद वो बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि यह घटना उसके साथ पहले भी हो चुका था। नोलन को डरते हुए देखने के बाद भी डॉक्टर ब्रुक उसे यह सलाह देती है कि यह एक गुड साइन है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड टोटली डिलीट नहीं हुआ है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ मेमोरी जिंदा है और वो उस मेमोरी को याद थोड़ा थोड़ा कर पा रहा है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में धीरे धीरे यह मेमोरी बेहतर होने लगेगी और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आता रहेगा। और ऐसे ही अगर उसके मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे आने लगता है तो उसका मेमोरी को डॉक्टर एक्सट्रैक्ट कर पाएगी, जैसे कि वो अपने ब्रेन डेड रिसर्च में हमेशा ही करती है। वहीं दूसरे साइड स्कूल के बाद ईवा नोलन का वेट कर रही थी और उसके साथ उसके ही स्कूल का एक टीचर थी। वहीं दूसरे साइड नोलन डर के मारे भाग जाता है और घर में आ पहुंचता है और इस बीच बेटी को लाना भी भूल जाता है। ईवा की टीचर उसे घर छोड़ने आती है जिससे नोलन को बहुत शर्मिंदा लगता है। इस बीच ईवा के टीचर ने उसको वार्न करके जाती है कि यह घटना इसको लेकर थर्ड टाइम रिपीट हुआ है, अगर और एक बार नोलन ईवा को स्कूल से लाना भूल जाता है तो वो टीचर चाइल्ड सर्विसेज को कॉल कर देगी। चाइल्ड सर्विसेज एक ऐसी संस्था है जो ऑफन बच्चों का ख्याल रखता है। यह बात से नोलन और उसकी बेटी दोनों ही बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उसके पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से वो दिन रात एक करके उसके पापा का ध्यान रखती थी और वेट करती थी कि कब उसके पापा सब कुछ फिर से याद कर पाएंगे, पर इतने कोशिश के बावजूद ईवा उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो चुकी थी, पर नोलन उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी यह गलती सेकंड टाइम रिपीट नहीं करेगा। इस घटना के दूसरे ही दिन नोलन डॉक्टर ब्रुक के पास फिर से जाता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ठीक होना था अपने बच्ची के लिए। यहाँ पर दूसरे दिन डॉक्टर ब्रुक के ट्रीटमेंट सेशन के दौरान वो नोलन को एक EEG हेडसेट पहना देती है और यह कहती है कि यह डिवाइस का नाम ब्लैक बॉक्स है। यह उसके ब्रेन को स्कैन करेगा और डेटा को इस प्रोसेसर के अंदर भेजेगा। यह मशीन प्रोसेस्ड डाटा से 3D रियलिटी बनाएगा जिसको नोलन VR हेडसेट में देख सकेगा। जैसे ही उसका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तभी वो उसका सबकॉन्शियस मेमोरी को 3D रियलिटी में देख पाएगा। तो हिप्नोटाइज प्रोसेस शुरू होता है और डॉक्टर ब्रुक नोलन को खुद का एक सेफ हाउस इमेजिन करने के लिए बोलता है। यह सेफ हाउस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। यह एक ऐसा सिचुएशन या प्लेस है जो कि हम लोगों का एक कम्फर्ट जोन है जहाँ पर हर कोई रहना चाहेगा। तो नोलन के भी एक सेफ हाउस था जो कि अपनी बेटी ईवा का रूम था। तो सेशन शुरू होता है और नोलन देखने लगता है अपने बेटी का रूम और वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हिप्नोटाइज सेशन शुरू होने से पहले डॉक्टर ब्रुक नोलन को वार्न करती है कि पूरे सेशन के टाइम वो अपने उस सेफ हाउस से जो नोलन इमेजिन कर रहा था उससे बाहर ना निकले। अगर वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा तो डॉक्टर ब्रुक के हाथ में और कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका माइंड का जो मेमोरी है वो पूरा लॉस्ट हो जाएगा और नोलन कभी भी हिप्नोटाइज सेशन से बाहर आने नहीं पाएगा, उसका ब्रेन फिर से डेड हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर नोलन को और एक चीज इमेजिन करने के लिए बोलते हैं। वो नोलन को एक वॉच इमेजिन करने के लिए बोलती है। वो एक एनालॉग वॉच था जिसमें एक काउंटर लगा हुआ था। डॉक्टर के हिसाब से नोलन उस काउंटर को जितनी बार आगे या पीछे प्रेस करेगा उतनी बार नोलन अपने पास्ट के मेमोरीज को याद कर पाएगा। पास्ट में नोलन के साथ घटे हुए कोई भी घटना जो अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में नोलन के बचे हुए हैं वो फिर से नोलन याद कर पाएंगे। नोलन वैसे ही करता है और वो आज कंट्रोलर को पहले दबाता है और अचानक से वो और एक मेमोरी में चला जाता है। तब वो अपने बेटी के रूम में यानी कि सेफ हाउस में नहीं था। वो अपनी शादी का सीन देख पाते हैं। नोलन देखता है कि उसके सामने उसकी बीवी खड़ी है, मैरिड गाउन पहने हुए। वो एक चर्च में खड़ा हुआ था और उसके सामने प्रीस्ट और बाकी सारे लोग भी थे। यह मेमोरी को देखने के बाद नोलन ऑब्वियसली बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बीवी के फेस के ऊपर से कपड़ा हटाने जाता है उसको देखने के लिए। यहाँ पर एक अजीब सा घटना होता है जिसको देखकर नोलन बहुत ही शॉक में आ जाता है। नोलन अपनी शादी का सीन तो देख पा रहा था पर जब वो अपने बीवी को देखने गया उसका फेस उसको दिखाई नहीं दिया बिकॉज उनकी वाइफ का पूरा फेस धुंधला था। सिर्फ वाइफ नहीं, प्रीस्ट और शादी में प्रेजेंट और जो भी थे उस चर्च में सबके ही फेस वैसे ही धुंधला था।
मतलब नोलन वो सिचुएशन को याद तो कर पा रहा था पर किसी की फेस मतलब चेहरा उसे याद नहीं था, इसलिए वो सबको धुंधला देख रहा था। नोलन बहुत डर चुका था ऐसी सिचुएशन पर कि तभी उसे फिर से उस आदमी को दिखाई दिया जो आदमी लास्ट सेशन में नोलन को अटैक किया था। पर इस बार वो आदमी नोलन को पीछे से अटैक नहीं करता है, वो उसके सामने से चल के आ रहा था। पर इस आदमी का कोई शेप नहीं था, वो आदमी चार पैरों पर चल रहा था, जिसको देखने के बाद नोलन बहुत ही घबरा जाता है। वो आदमी धीरे धीरे अपने चारों पैर से कैसे अजीब तरीके से चलकर आ रहा था और उसका फेस भी ब्लर था। यह आदमी पूरा घोस्ट की तरह दिख रहा था जिसका बॉडी का कोई शेप नहीं था। यह आदमी कौन है? नोलन को कुछ भी याद नहीं था और वो इतना नर्वस हो गया था कि उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए वो एनालॉग घड़ी को प्रेस करता है और वो हिप्नोटाइज सेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली और एक बात थी कि वो आदमी जो उल्टा चलकर आ रहा था वो भी वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। हिप्नोटाइज सेशन से बाहर आने के बाद नोलन डॉक्टर ब्रुक को अपने साथ हुए सारे घटना को बोलता है। डॉक्टर ब्रुक उसके साथ हुए सारे हादसों के बारे में अच्छी तरह से सुनती है और उसे यही सजेशन देती है कि यह अपने ब्रेन का ही एक डिफॉल्ट नेचर है जो उसे रोक रहा है अपने पास्ट को याद करने से। इस सिचुएशन में नोलन ना डरे तो ही अच्छा है, अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल लाना जरूरी है और बिना डरे नेक्स्ट सेशन में नोलन को कोशिश करते रहना है। बाकी सबके चेहरे को देखने के लिए जो भी आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके अगर नोलन बाकी सब जो है उसके चेहरे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसे सब कुछ याद आ सकता है। नोलन इसके बाद अपने घर जाता है और गैरी से मिलता है और उसे बताता है कि आज उसने अपने शादी के दिन को रिमेम्बर कर पाया। इसी बात पे इमोशनल होके अपने ही शादी के फोटो देखने लगता है। पर यहाँ उसे और भी झटका लगता है जब वो शादी के फोटो में नोटिस करता है कि उसका शादी किसी चर्च में नहीं बल्कि ओपन एयर में हुआ था। तो फिर उसके ऐसा मेमोरी क्यों दिखा जो उसके साथ हुआ ही ना हो? सिर्फ वो ही नहीं, पिक्चर में जो प्रीस्ट थे वो भी अफ्रीकन थे, पर उसने तो हिप्नोटाइज्ड सेशन में किसी अमेरिकन को ही देखा था। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो उसका मेमोरी नकली था और नहीं तो यह फोटो नकली है। इसके बाद नोलन को अपने घर में एक चॉपस्टिक्स मिलता है जिसे देखने के बाद उसे ऑटोमेटिक एक रेस्टोरेंट की मेमोरी याद आ जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने बेटी ईवा को लेके उसी रेस्टोरेंट में जाता है और अपने बेटी को बोलता है यह रेस्टोरेंट उसके और उसकी माँ की फेवरेट जगह थी। अगले दिन सेशन के दौरान वो एक दूसरे मेमोरी को देखता है। उस मेमोरी में वो किसी अपार्टमेंट में था जिसे वो इससे पहले कभी नहीं देखा है। उसे एक बच्चे की रोने का आवाज भी सुनाई देता है जिसे उसको लगता है कि यह बच्ची ईवा ही है, पर उस बच्ची का फेस भी धुंधला था। नोलन खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है ताकि उसे वो लोकेशन याद हो जाए। वो बाहर एक ग्रीन गेट और एक बड़ा सा वॉच टावर दिखता है, पर अभी तक उसे वो जगह जाना पहचाना नहीं लगा। उसी अपार्टमेंट में नोलन को एक लड़की दिखी जो बहुत रो रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, उस लेडी की पूरे बॉडी में जगह जगह घाव थे जैसे कि उसे कोई बहुत जोरों से मारा हो। तभी वो आदमी उसके मेमोरी में फिर से आ जाता है और उसे देखने के बाद नोलन अपने वॉच को दबाकर वहां से निकल जाता है। इस सेशन के बाद नोलन गैरी से पूछता है क्या वो कभी उसके बीवी पे हाथ उठाता था, क्या वो एक अग्रेसिव पर्सन था। पर गैरी उसे समझाते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हाथ उठाना तो दूर, उन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था। नेक्स्ट डे नोलन अपने बेटी को लेकर वही अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए निकलता है जिसे वो हिप्नोटाइज सेशन के दौरान देखा था। वो वॉच टावर को रिमेम्बर करते हुए उसी जगह में पहुंचता है और चारों ओर घूमने लगता है ताकि वो वॉच टावर के सामने कहां पर वो ग्रीन गेट है उसे ढूंढ पाए। फाइनली ढूंढने के बाद नोलन को वो बिल्डिंग मिल जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर वो बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। बिल्डिंग में घुसने के बाद ही उसे बिल्डिंग के सीढ़ी से गिरने की एक मेमोरी याद आ जाता है। वो अपनी बेटी को खड़े रहने के लिए बोलता है और एक रूम के बाहर जाकर नॉक करता है। रूम का दरवाजा एक छोटी सी बच्ची खोलती है, वो बच्ची का नाम एशली था। वो अपने मम्मी को बुलाने के लिए जाती है और तभी नोलन वो घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है यह एग्जैक्टली सेम रूम है जैसे वो हिप्नोटाइज सेशन के दौरान देखा था। फर्नीचर से लेकर वॉल पेंटिंग सब कुछ एग्जैक्टली वहां पर सेम था जैसे कि उसने पहले देखा था। इसके बाद वो उस बच्चे की मम्मी को देख पाता है, वो मम्मी भी उसके तरफ देख रही थी। उसे देखने के बाद नोलन को बहुत पैनिक अटैक आता है और वहां से दौड़ के वो भाग जाता है। इस लेडी का नाम मिरांडा था। इस घटना के बाद नोलन अपने फ्रेंड गैरी से मिलता है और उसे उस एड्रेस देता है जहां नोलन गया था। नोलन को अपने ऊपर यह शक होने लगा था कि शायद उसके दूसरे कोई फैमिली रहा हो और यह बात वो गैरी को भी पूछता है, पर गैरी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था और नोलन कभी भी उसके वाइफ को धोखा नहीं दे सकता और किसी भी हालत में नोलन की कोई दूसरी फैमिली हो ही नहीं सकती।
पर नोलन को इस बात पर भरोसा नहीं था क्योंकि नोलन को समझ में आ रहा था कि मिरांडा के साथ उसका कुछ तो रिलेशन है, नहीं तो उसने हिप्नोटाइज्ड सेशन में इतना एक्यूरेट रूम कैसे देखा होगा। नेक्स्ट डे डॉक्टर ब्रुक के सेशन के दौरान नोलन सेम उसी अपार्टमेंट में जाता है और वो आदमी जिसने नोलन पर अटैक किया था उसके साथ फाइट करता है। नोलन उस फाइट के बाद फिर से दूसरे एक मेमोरी को देख पाता है जहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ था। उसका कंडीशन बहुत खराब था और उसके सामने अपनी बीवी खड़ी हुई थी। आज फर्स्ट टाइम उसने किसी का चेहरा एकदम क्लियरली देखा। वो और कोई नहीं उस अपार्टमेंट की मिरांडा थी जिसको नोलन ने उसे क्लॉक टावर के सामने वाला अपार्टमेंट में देखा था। पर यह लड़की जिसका नाम मिरांडा थी वो उसकी एक्चुअल वाइफ मतलब ईवा की माँ नहीं थी। अब नोलन एकदम अचानक से सारे मेमोरी को याद करने लगा था। वो शादी के दिन वो लड़की मिरांडा थी, वो अपार्टमेंट में जो लड़की रो रही थी वो भी मिरांडा ही थी, और जो छोटी सी बच्ची जो अपार्टमेंट में थी वह भी ईवा नहीं थी, वो एशली थी। यह सारे मेमोरी को याद करने के बाद ही फिर से हम लोग वो सेफ हाउस के सीन देख पाते हैं, पर इस बार वो सेफ हाउस में नोलन नहीं था, कोई और एक आदमी बैठा हुआ था। यह आदमी और कोई नहीं थॉमस था जो डॉक्टर ब्रुक का ही बेटा था। थॉमस 2 साल पहले उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरकर मारा गया था। इस बीच नोलन के फ्रेंड गैरी को बहुत सारा शक होने लगता है और वो हॉस्पिटल में जाकर नोलन के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने के बाद गैरी को यह पता चलता है कि जब नोलन का ब्रेन डेड हो गया था और उसे होश नहीं आ रहा था तब डॉक्टर ब्रुक उसे उसकी लैब में लेकर गई थी और सडनली उसे सब कुछ याद आने लगा था और उसकी मेमोरी वापस आ गई थी। इस बात को सुनने के बाद गैरी को धीरे धीरे डॉक्टर ब्रुक के ऊपर शक होने लगता है और वो उसे मिलने के लिए डॉक्टर के लैब के सामने जाता है, पर डॉक्टर ब्रुक तब बिजी थी इसलिए उसे बाद में आने के लिए बोला जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से वो सेफ हाउस के रूम के सीन देख पाते हैं जहाँ पर थॉमस घूम रहा था। उसे हाउस में सडनली थॉमस को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो माँ कहकर पुकारता है। देन अचानक से नोलन को होश आ जाता है और वो हिप्नोटाइज सेशन से बाहर आ जाता है, पर आंख खुलने के बाद वो नोलन नहीं था, वो अंदर से थॉमस बन चुका था। थॉमस को देखने के बाद डॉक्टर ब्रुक भी रोने लगती है। थॉमस को कुछ समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पर धीरे धीरे डॉक्टर ब्रुक अपने बेटे थॉमस को बोलने लगती है कि 2 साल पहले सीढ़ी से गिरकर वो मारा गया था, तभी उसके ब्रेन को बचाने के लिए डॉक्टर ब्रुक उसके ब्रेन को स्कैन करके सारा मेमोरी डाटा में कन्वर्ट करके एक जगह में सेव करके रखी थी। फिर एक एक्सीडेंट के बाद नोलन उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हुआ था जिसका भी ब्रेन डेड हो चुका था और उसका ठीक हो पाना एकदम मुश्किल था। तभी उसने अपने बेटे की मेमोरी को उस नोलन नाम के आदमी के मेमोरी में रिस्टोर कर दिया। अभी हिप्नोसिस प्रोसेस के दौरान नोलन के बॉडी में थॉमस के कॉन्शियसनेस आ चुका था, जिससे बॉडी तो नोलन की थी पर पूरा मेमोरी सारा कॉन्शियसनेस सब कुछ थॉमस के ही हो चुकी थी। उस दिन के बाद नोलन का होश तो आ गया था पर धीरे धीरे उसका अपना खुद का मेमोरी लॉस होने लगा था और उसकी जगह में धीरे धीरे थॉमस का मेमोरी रिस्टोर हो रहा था। इसी वजह से वो बीच बीच में एग्रेसिव हो जाता था, सिगरेट पीने लगता था। वो चॉपस्टिक्स का मेमोरी और किसी का नहीं बल्कि थॉमस की ही थी। ब्रेन इतना टाइम से धीरे धीरे थॉमस के मेमोरी को नोलन की ब्रेन में एडजस्ट कर रहा था और इसको अच्छी तरह से करने के लिए ब्लैक बॉक्स का ट्रीटमेंट करना जरूरी था। तभी डॉक्टर ब्रुक उसके साथ कॉन्टैक्ट करके फाइनली नोलन के ब्रेन से उसकी मेमोरी को हटाकर थॉमस के मेमोरी को वहां पर इम्प्लांट करने में सक्सेसफुल हुई और यह ब्रुक की फर्स्ट सक्सेसफुल ब्रेन ट्रांसफर था। ब्रुक के मुंह से यह सारा बात सुनने के बाद थॉमस बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे अभी क्या करना चाहिए, उसका डेथ हो चुका है। यह बात सुनने के बाद वो और भी पैनिक हो जाता है, ऊपर से उसका ब्रेन किसी और आदमी के बॉडी में है। यह सारे बात से वो बहुत कंफ्यूज होने लगता है। तभी डॉक्टर ब्रुक उसे मिरांडा और एशली की फोटो दिखाकर समझाती है कि जिंदगी उसे और एक दूसरे चांस दिया है तो उसे इस चांस को अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेना होगा और अपनी फैमिली के पास जाकर फिर से लाइव शुरू करना होगा। थॉमस अपनी बेटी और बीवी का पिक्चर देखने के बाद खुश तो हो जाता है पर उन्हें अंदर ही अंदर बुरा भी लगता है कि अब ईवा का क्या होगा, ईवा को वो जाकर क्या बोलेगा और कैसे अपने बीवी के पास लौट जाएगा। तभी थॉमस ब्रुक के लैब से निकलने के बाद डिसाइड करता है कि वो अपने बेटी और वाइफ के पास चला जाएगा और ईवा को गैरी के पास छोड़कर वहां से निकल जाएगा क्योंकि वो ईवा के साथ नहीं रह सकता, क्यों उसका फैमिली कहीं और ही थी। स्कूल से लेने के बाद ईवा को लेकर वो गैरी के पास जाता है पर ईवा गैरी के पास नहीं रहना चाहती, वो अपनी डैड के साथ ही रहना चाहती है। इस बात से थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो ईवा के ऊपर चिल्लाने लगता है। एक्चुअली कैरेक्टर में थॉमस नोलन के एकदम ऑपोजिट था, वो बहुत ही अग्रेसिव और रूड था और इस एग्रेसिवनेस को देखने के बाद ईवा बहुत ही डर जाती है
और उसे बहुत खराब लगता है कि उसके पापा ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गैरी के घर के सामने ईवा को छोड़ने के बाद वो गैरी से भी अच्छी तरह से बात नहीं करता और वो उसके ऊपर भी चिल्लाने लगता है। इसको देखने के बाद गैरी को अंदर ही अंदर बहुत शक होने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि नोलन ऐसे व्यवहार कभी नहीं करता था। ईवा को छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट अपने बीवी के घर यानी कि मिरांडा के घर पहुंचता है। मिरांडा उसे पहचान नहीं पाती। थॉमस उसे बोलता है कि वो थॉमस के कॉलेज का फ्रेंड है। यह बात बोलने के बाद मिरांडा उसे घर में घुसने की परमिशन देती है। थॉमस अंदर जाके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो एक्सेप्ट करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही है और उसे पता है कि उसका डेथ 2 साल पहले हो चुका था, पर अपने माँ के ब्रेन ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट के चलते नोलन के बॉडी में उसका ब्रेन ट्रांसफर कर दिया है। मिरांडा इस बात पर विश्वास नहीं करती, पर थॉमस उसे सब कुछ डिटेल्स में बताने लगता है। उन दोनों में लाइफ के रिलेटेड कुछ बातों से मिरांडा कन्विंस हो जाती है और मिरांडा को लगने लगता है कि यह आदमी और कोई नहीं थॉमस ही है, क्योंकि इतना पर्सनल चीज थॉमस के अलावा और कोई नहीं जान सकता है। इसके बाद थॉमस अपने घर में घुस जाता है और अंदर जाकर पूरा घर देखने लगता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यह घर पूरा चेंज हो चुका है। घर में पहले के जैसा कहीं पर भी उसका खुद का कोई पिक्चर नहीं है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही उसे भूल चुके हैं। फिर वो जिद दिखाने लगता है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है। मिरांडा उसे रोकने के लिए जाती है। इस बात से थॉमस मिरांडा के गले को पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है कि उसे बेटी के पास जाने दे। इस बात से हम लोग को पता चलता है कि थॉमस पहले से ही बहुत ही अग्रेसिव आदमी था, जो हर वक्त अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता था, जो आज भी वो किया। मतलब नोलन के शरीर में जाने के बावजूद उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसका नेचर पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। थॉमस अपनी बेटी से मिलने ही जा रहा था कि पीछे से आकर मिरांडा पीछे से उसके सर पे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। थॉमस जब आंख खुलता है वो तब गैरी के हाउस के सामने था। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। पर थॉमस अपने घर से गैरी के घर के सामने क्यों जाएगा और क्यों रोने लगेगा ये उसे पता नहीं चलता है। फिर वो घर के सामने नोलन की बेटी को देख पाता है और उसको देखने के बाद वहां से दौड़ने लगता है। बहुत बुलाने के बाद भी वहां पर नहीं रुकता और सडनली गाड़ी के ग्लास के तरफ देखने के बाद उसे एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है, जो कि एग्जैक्टली वैसा था जैसे नोलन अपने हिप्नोटाइज्ड सेशन में देखा था। वो अजीब सा एक आदमी को देख पाता है जिसका कोई शेप नहीं था, पूरा बॉडी बहुत डरावना था। थॉमस इस बात पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह आदमी कौन है जो इतना डरावना था। एक्चुअली ये आदमी और कोई नहीं, अभी नोलन है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने मेमोरी को रिगेन करने के लिए, एग्जैक्टली जैसे नोलन जब हिप्नोटाइज सेशन में गया था और उस सेशन के दौरान नोलन की मेमोरी के अंदर वो थॉमस को देख पाता था, क्योंकि थॉमस उसे बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने मेमोरी को हासिल करने के लिए। अभी एग्जैक्टली नोलन वही कर रहा है अपनी मेमोरी को फिर से पाने के लिए। वो अजीब शेप लेकर थॉमस की ब्रेन के अंदर अटैक कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास जाता है। उसे सब कुछ खुलकर बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो मिरांडा के घर के बाद गैरी के घर के सामने कैसे आया। फिर उसके मम्मी उसे बोलती है कि शायद अब उसका ब्रेन किसी सेफ जगह को ढूंढ रहा है, इसलिए उसे वहां पर भेज दिया है। और वो यह भी बोलती है कि उसके साथ यह हादसा बार बार ना हो, इसलिए उसे फिर से ब्लैक बॉक्स के अंदर जाना होगा और मेमोरी में जाकर उसे नोलन को अपने ही मेमोरी में मारना होगा, ताकि वो बार बार उसे किसी दूसरे सेफ जगह पर लेकर नहीं जाए और बार बार दिखाई ना दे। थॉमस का ब्लैक बॉक्स सेशन शुरू होने ही वाला था कि हम लोग गैरी को देख पाते हैं जो ईवा के साथ बैठा हुआ था और वो इंटरनेट में वो एड्रेस सर्च कर रहा था जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया था, जिसे ढूंढने के बाद उसे यह पता चलता है कि यह घर और किसी की भी नहीं थॉमस की है, जो कि है डॉक्टर बुक की बेटे जिसका 2 साल पहले डेथ हो चुका था। यह चीज को इंटरनेट से जानने के बाद गैरी को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ है और नोलन की ब्रेन में शायद डॉक्टर ब्रुक ने ही अपने बेटे की मेमोरी को स्टोर कर दिया है अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो अपने बेटे से फिर से बात कर सके और उसे देख सके। और वो एक्चुअली नोलन का कोई भी ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहती, वो नोलन को रिप्लेस करके वहां पर अपने बेटे को ही रखना चाहती है। इसको देखने के बाद गैरी और बिना देरी किए ईवा को लेकर डॉक्टर ब्रुक के लैब की तरफ निकल जाता है। वही दूसरे साइड डॉक्टर ब्लैक बॉक्स ट्रीटमेंट कर रहा था अपने बेटे थॉमस के ऊपर। अभी इस सीन में हम लोग थॉमस का हिप्नोटाइज सेशन देख पाते हैं, जो अपने सेफ हाउस में जाता है। थॉमस का सेफ हाउस नोलन की सेफ हाउस से डिफरेंट था। यहाँ पर थॉमस अपने ही फ्लैट जहाँ पर अपने बीवी और बेटी रहती थी उस प्लेस को इमेजिन करता है, जहाँ पर जाने के बाद वो अपने खुद का ही रूम देख पाता है और उस रूम को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। सेम इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ब्रुक थॉमस को भी देती है कि वो पूरे सेशन के द्वारा कभी भी उस रूम से बाहर ना निकले,
तो ब्रूक के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा और वो बॉडी में कभी भी रिस्टोर नहीं कर पाएगा, तो उसे उसके हाउस में ही रहने की सलाह देती है। थॉमस उस रूम में सारे पिक्चर, सारे मेमोरी को याद कर रहा था और घूम रहा था कि तभी सडनली उसे एक अजीब तरह के आदमी दिखाई देता है जिसका बॉडी का कोई शेप नहीं था, एग्जैक्टली जैसे नोलन देख पाता था। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था, फिर वो उसका फेस देखता है, वो और कोई नहीं, वो अजीब किस्म का आदमी नोलन ही है। फिर थॉमस अपने मॉम को यह बोलता है कि नोलन अभी भी जिंदा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ब्रूक उसे यह एडवाइस देती है कि उसे किसी भी तरह से मार दो ताकि वो कभी भी जिंदा ना रहे और उसके ब्रेन के ऊपर काबू करने की कोशिश ना करें। यह बात सुनने के बाद थॉमस जोर से नोलन को, यानी कि नोलन के सबकॉन्शियस माइंड को मारने लगता है जो अभी भी जिंदा है और उसका जगह लेने की कोशिश कर रहा है। थॉमस उसे बहुत ही घायल कर देता है। तभी उस लैब में गैरी और नोलन की बेटी ईवा आ जाती है और अपने पापा को देखने के बाद वह बहुत जोर से चिल्लाने और बुलाने लगती है। यह आवाज नोलन को भी सुनाई देता है और थॉमस को भी सुनाई देता है। नोलन की बेटी की आवाज सुनने के बाद थॉमस को अपने ही कुछ पास्ट की मेमोरी याद आ जाता है, जहां पर वह देखता है कि वह अपने बीवी को बहुत जोर से मार रहा था और अपनी माँ को बचाने के लिए उसका ही बेटी थॉमस को धक्का दे रही थी कि तभी उसने अपनी बेटी को भी जोर से मारा। इस हद तक गुस्से में था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वह अपनी बीवी, बेटी, सबको ही मार रहा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए मिरेंडा उसे धक्का देता है और तभी वह सीढ़ी से गिर जाता है जिससे उसका डेथ हुआ था। यह पास्ट का मेमोरी को याद करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वह कितना बुरा एक आदमी था जो अपनी बीवी बेटी को ही मारता था, हर्ट करता था। अभी भी वह नोलन को मार ही रहा है उसके जगह को लेने के लिए। यह सब कुछ सुनने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है। तभी थॉमस उस रूम से निकल जाता है, वह एनालॉग वॉच को बिना लेकर, इसलिए वह फिर से नोलन की बॉडी में कभी भी नहीं आ सकता, उसका मेमोरी वहां से परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद नोलन आँख खुलता है और डॉक्टर ब्रूक सोचती है कि उसके बेटे जाग चुका है, पर वह उसका बेटा नहीं था, वह नोलन था जो अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसका बेटी भी उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली नोलन का माइंड नोलन के बॉडी और ब्रेन के ऊपर पूरा तरीके से टेक ओवर कर चुका था। तो फाइनली नोलन को सब कुछ याद आ चुका था, उसका मेमोरी लॉस या शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम और नहीं था। उसके ब्रेन में जो थॉमस का याद या मेमोरी इम्प्लांट किया गया था वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोलन और उसकी बेटी ईवा खुशी खुशी रहने लगता है और दूसरी साइड में मिरेंडा एशली को लेकर उस अपार्टमेंट को छोड़कर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरे साइड डॉक्टर ब्रूक भी अपने स्कैंडल के लिए हॉस्पिटल से निकाली गई थी। एकदम लास्ट में एंड क्रेडिट सीन में हम लोग ब्रूक को फिर से देख पाते हैं जो कि कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही थी। एक्चुअली उसके पास अपने ही बेटे थॉमस की एक बैकअप कॉपी थी जो ओरिजिनल डाटा लॉस्ट होने के बाद भी उसके पास और एक कॉपी बन चुकी थी और उसके फेस को देखकर यह लगता है कि वह फिर से किसी और के ब्रेन में अपने बेटे को इम्प्लांट करने की प्लानिंग कर रही थी। और यहां पर ही मूवी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को आज का यह हॉरर मूवी कैसा लगा हम लोगों को जरूर बताइएगा। अगर इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन को और भी देखना है तो हमारी यह चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।